बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी बिरयानी। बिरयानी की रेसिपी तो हमने बहुत सारी आपके साथ शेयर की है, मगर ये मज़ेदार सी बिरयानी ईद वाले दिन हमने बनाई थी, जिसका कोरमा हमने एक दिन पहले ही बना दिया था। ये झटपट बनने वाली चटपटी सी बिरयानी जो है ईद वाले दिन हमने बनाई थी, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त बनने में और गाय कटने में टाइम होता है, इतनी देर में हम खाने की तैयारी कर लेते हैं। चलें बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सी चटपटी सी बिरयानी। इसके लिए हमने 5 अदद प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ की, 3 अदद आलू लिए हैं और दरमियाने साइज़ के। बिरयानी मसाला जो है हाफ़ कप हमने लिया है, या फिर 2 पैकेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। रेडीमेड बिरयानी मसाला जो होता है उसके 2 पैकेट इस्तेमाल करेंगे। ऑयल जो है 1 कप हमने ऐड किया है। प्याज को काटेंगे, एक पैन लेंगे, उसमें 1 कप ऑयल डालेंगे और प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे। ऑयल को गर्म करेंगे सबसे पहले, और इसको प्याज को जो बहुत थिन स्लाइस किए हमने, अब इसको फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो जाए उसको निकाल कर अलग रख देंगे। ये मैंने सारी तैयारी रात ही में की थी, एक दिन पहले की थी, जिसकी वजह से बिरयानी जो है मेरी जो है बिरयानी 20 से 25 मिनट में बिरयानी तैयार हो गई थी। प्याज हमने निकाल दिया है, हमने हाफ कप ऑयल और ऐड किया, क्योंकि प्याज जब ब्राउन कर रहे थे उसमें हमारी जो ऑयल है वो उसकी क्वांटिटी कम हो गई थी। हमने 1.5 किलो चिकन ली है, आप बीफ भी ले सकते हैं, अगर आपकी कुर्बानी का गोश्त आ चुका है आपके पास तो बीफ और मटन कुछ भी डाल सकते हैं आप इसमें ना, बीफ मटन, मैंने चिकन डाली है। तो 1.5 किलो गोश्त है मेरा चिकन का, 2 चमचे जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, और ये कुटी हुई लाल मिर्च हरी मिर्चें जो हैं क्रश की हुई 1 टेबल स्पून मैंने ऐड की है। बाद में और ऐड करूँगी, क्योंकि हम बना रहे हैं चटपटी सी बिरयानी, तो आप क्वांटिटी जो है मिर्चों की, हरी मिर्चों की क्वांटिटी ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। हम इस चिकन को फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद इसको हम निकाल कर एक साइड में रख देंगे, क्योंकि जब हम बिरयानी मसाला भूनेंगे ना चिकन जल्दी टेंडर हो जाती है। अगर आपके पास मटन है या बीफ है तो इसको इसमें ही रहने दें, इसमें मसाला डालें, चिकन बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है। अब इसी में हमने चिकन को निकाल दिया, उसी ऑयल में हम आलू डालेंगे। आलू का फ्लेवर, आलू के अंदर मसाले का फ्लेवर और चिकन की यखनी का फ्लेवर आ जाएगा। 1.5 टेबल स्पून हमने लाल मिर्चें में डाली हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टेबल स्पून, और इसके साथ हम डालेंगे धनिया 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला है हमने, ठीक है। हल्दी जो है 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हम, हल्दी इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला लगने ना पाए। बिरयानी मसाला जो है रेडीमेड मसाला यूज़ कर रहे हैं तो 2 पैकेट यूज़ कर लें, और अगर आप घर का बना हुआ मसाला यूज़ कर रहे हैं तो 7 से 8 टेबल स्पून बिरयानी मसाला इसमें ऐड डालेंगे, सही है। दही डालेंगे 1 कप, हरी मिर्ची मुझे कम लग रही थी मैंने डाल दिया है, अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। तो इसको पहले हम लो फ्लेम में ना फ्राई करेंगे ताकि हमारा दही फटने ना पाए, अगर हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो दही में दाने दाने से आ जाते हैं, वो जो अच्छे नहीं लगते। हमने 1/2 कप पानी डाला है ताकि हीट टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाए, इसको हल्का हल्का सा हम फ्राई करेंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इस स्टेज पे आप वो डाल दें, क्या नाम है, राइस डाल दें, ये आपकी वेज बिरयानी बन जाएगी, आलू की बिरयानी बन जाएगी, और दूसरी सब्ज़ी डालना चाहते हैं डाल दें, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आलू की बिरयानी मैंने एक दफ़ा बनाई थी और मैं हमें शेयर भी किया आपके साथ, वो बहुत ज़बरदस्त बनी थी। मसाला मेरा अच्छी तरह से भून चुका है, देखें मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, और हम इसमें चिकन डालेंगे। मसाला फ्राई होने की उसकी निशानी ये है कि मसाला जो है ना ऊपर से शाइनी हो जाता है, ऑयल जो है सेपरेट हो जाता है मसाले के साथ, उसका मतलब आपको मसाला अच्छी तरह से भून गया है। हमने चिकन और तली हुई प्याज को ऐड कर दिया है, 1.5 किलो को चिकन है हमारी, ऐड करने के बाद हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से रच बस जाए इसमें, क्या नाम है, चिकन में। चिकन चूँकि हमने सिर्फ इसको कलर चेंज होने तक फ्राई किया था, इसलिए चिकन को ना हम गला लेंगे, फिर हम इसमें आखिर में आलू बुखारे डालेंगे और इसको ढककर रख देंगे ताकि चिकन टेंडर हो जाए और वो भी आलू भी गल जाए। पानी की तैयारी करते हैं। दूसरे दिन हमने चिकन बनाई थी, तो ये दूसरा दिन है, मैंने एक
पैन में पानी बॉईल किया है, 1.5 किलो चिकन है, 1.5 किलो चावल मैंने ऐड किए हैं इसमें, बासमती राइस हैं, इसको थोड़ा सा ज़ीरा है, धनिया है, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा डालकर और नमक डालकर इसको बॉईल कर लिया। चावल बॉईल हो चुके हैं, एक कनी हमारे, अब हम इसको असम्बल करते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल डालें जब हम इसको असम्बल करें ताकि चावल जो है उसके बॉटम में लगने नहीं पाए। आप इसको ग्रीस कर दें पैन को अच्छी तरह से ताकि जब हम इसको स्टीम दें तो साइडों में चावल चिपक ना जाए। ये आप बावर्ची जो बनाते हैं खाना उसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, ग्रेवी डालते हैं, फिर राइस डालते हैं। ठीक है, हमारा ऑयल जा चुका है, सरफेस भी अच्छे तरह से, साइड पीस ग्रीसी हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे राइस, बॉईल किए हुए एक कनी राइस हम इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 80% राइस जो है, 85% राइस जो है गले में। अब हम इसमें कोरमा जो हमने बना कर रखा था ये ऐड कर देंगे। कोरमा ऐड करने के बाद इसमें लेयरिंग करेंगे, झटपट तैयार होने वाली बिरयानी है। इसको एक दिन पहले ही अगर आप सारी तैयारी कर लें तो दूसरे दिन आपको सिर्फ राइस बॉईल करके डालना होगा। मेरा कोरमा तैयार था, मैंने राइस बॉईल किए 15 मिनट में और 15 मिनट का दम दिया, बिल्कुल 20-25 मिनट में मेरी बिरयानी तैयार हो चुकी थी। आप इसको हम लेयर देंगे बिरयानी को, इसको बीफ और मटन के साथ भी बना सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। क्योंकि चिकन जल्दी टेंडर हो जाती है उसको मैंने लाइट ब्राउन करके निकाल लिया था। अगर बीफ और वो बना रहे हैं आप तो मसाला उसमें फ्राई करें और बीफ मटन और बीफ को गलने दें उसी के पानी में। ओके, हाफ कप पानी डालकर अब हम इसमें ऊपर से ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने का मकसद ये होता है जो चावल हमारे बनते हैं ना वो खिले खिले बड़े लॉन्ग राइस बनते हैं। आपके अगर आपके पास केवड़ा है तो हाफ टी स्पून केवड़ा इस्तेमाल कर लें, नहीं तो बिरयानी एसेंस जो है मैं इसमें 1 टेबल स्पून बिरयानी एसेंस यूज़ कर रही हूँ। ऑप्शन है, डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो केवड़ा जो होता है केवड़ा वाटर हाफ टी स्पून ऐड कर दें। फूड कलर है येलो फ्रूट कलर और ऑरेंज फूड कलर को मैंने अलग अलग इसको दूध में भिगो कर डिज़ोल्व कर लिया था, दूध में डाल के डिज़ोल्व कर लिया था। दोनों का कलर डिफरेंट आएगा, इसको मिक्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब हम बिरयानी निकालेंगे ऑटोमेटिकली ये मिक्स हो जाएंगे। ये हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। आप हमें इसे दम देंगे, 15-20 मिनट्स का दम देंगे। अच्छी तरह से मैंने इसको सील कर लिया है, चाहे तो कपड़ा आप ढक्कन में अच्छी तरह से लपेट लें और इसको स्टीम दे दें। मकसद ये होता है हाई स्टीम में पहले हम 5 मिनट फिर 15 मिनट्स लो फ्लेम में हम इसको स्टीम देंगे। बिरयानी बिल्कुल तैयार है, आप इसे सर्व करते हैं। मज़ेदार सी चटपटी सी बिरयानी तैयार है और ईद के दिन बनाइए और सर्व कीजिए। दावतों में बना रहे हैं तो दावतों में बनाइए। मज़ेदार सी चटपटी सी छटपट बनने वाली बिरयानी तैयार है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।